नमस्कार दोस्तों, यहाँ दुल्हन नहीं बल्कि शादी के बाद दूल्हे की होती है विदाई। बेहद दिलचस्प है इसके पीछे की वजह। जी हाँ दोस्तों, भारत को विविधताओं में एकता का देश कहा जाता है। हमारी संस्कृति, विचार, खानपान और रहन सहन बाकी दुनिया से काफी अलग है। ये सारी खास चीजें भारत को दूसरे देशों से अलग बनाती है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे समुदाय के बारे में सुना है जहाँ शादी होने के बाद दुल्हन दूल्हे के घर नहीं जाती बल्कि दूल्हा दुल्हन के घर पर आकर रहता हो? हम बात कर रहे हैं मेघालय की खासी जनजाति के बारे में। उत्तर पूर्व भारत के मेघालय राज्य में खासी समुदाय महिलाओं के अधिकार का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। इस राज्य की लगभग 25% आबादी इसी समुदाय से ताल्लुक रखती है और ये सभी समुदाय मातृसत्तात्मक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस समुदाय में माता पिता की संपत्ति पर पहला अधिकार महिलाओं का ही होता है। परिवार की सबसे छोटी बेटी पर सबसे अधिक जिम्मेदारी होती है और वहीं घर की संपत्ति की असली मालकिन भी महिला ही होती है। इस समुदाय के लोगों को अपना जीवन साथी चुनने की पूरी आजादी है। इसके साथ ही महिलाएं अपनी इच्छा पर किसी भी वक्त अपनी शादी को तोड़ सकती है। खासी जनजाति के अलावा मेघालय की अन्य दो जनजातियों गारो और जयंतिया में भी यही प्रथा है। इन दोनों जनजातियों में भी यही व्यवस्थाएं चलती हैं। यहाँ पर भी शादी के बाद दूल्हा अपने ससुराल में जाकर रहता है, जहाँ एक ओर देखा जाता है कि लड़का होने पर ज्यादा खुशी मनाई जाती है, वहीं इस समुदाय में इसके उलट होता है। इस समुदाय के लोगों का संगीत के प्रति विशेष जुड़ाव होता है। ये विभिन्न तरह के वाद्य यंत्रों जैसे गिटार, बांसुरी, ड्रम आदि को गाते बजाते हैं।